नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। जब हम बात करते हैं देश की राजनीति की, तो कुछ एक राज्य ऐसे हैं जिनकी राजनीति पर सबकी नजर होती है। वो राज्य महाराष्ट्र है, बिहार है, बंगाल है और ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश तो है ही। महाराष्ट्र की राजनीति बेहद दिलचस्प है। आज महाराष्ट्र की ही बात करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जो पलटीबाजी का सिस्टम शुरू हो गया है, ये कहीं एनडीए को लेना डूबे। आप जानते ही हैं किस तरीके से अजीत पवार 8 विधायकों के साथ एनडीए में आ गए थे, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि ऐसे 2 विधायक हैं जो पलटी मारने के लिए तैयार हैं और शरद पवार गुट में जाने के लिए भी वो पूरी तरीके से ताल ठोक चुके हैं। अजीत पवार के लिए चिंता का विषय है ही, साथ ही साथ ये चिंता का विषय है एनडीए के लिए भी। इसी के साथ शरद पवार जिन जिन लोगों के साथ मंच साझा कर रही है, उनसे देवेंद्र फडणवीस की दुश्मनी भी सार्वजनिक है। उदाहरण के तौर पर नवाब मलिक, पूर्व मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के नवाब मलिक, अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन अजीत पवार के साथ जिस तरीके से उन्होंने मंच साझा किया था, कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। हालांकि इन सबके बीच अजीत पवार के लिए यह बड़ा झटका है और महाराष्ट्र की सियासत पर इसका असर कैसा होगा, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून से समझिए। नम्रता, शायद देश के दूसरे हिस्से में लोगों को पता नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में क्या हुआ है। कोंकण में शिवाजी महाराज की एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया और इस प्रतिमा का अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ? वो प्रतिमा टूट गई, गिर गई और आरोप ये है कि भ्रष्टाचार की वजह से घटिया क्वालिटी का सीमेंट वगैरह इस्तेमाल किया गया था, इस वजह से शिवाजी महाराज की वो प्रतिमा गिर गई है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये महाराष्ट्र के अंदर पनप रहे भ्रष्टाचार की कहानी है। जिस चीज को प्रधानमंत्री उद्घाटन करें, वो अगर 2 दिन के अंदर ही धराशायी हो जाए तो बाकी चीजों के बारे में आप सोच लीजिए। दूसरा इसका एंगल है शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आराध्य हैं, मराठा उन्हें देवता की तरह पूजते हैं और शिवाजी महाराज की मूर्ति से ये मजाक ये हुआ है और इसका बहुत असर है महाराष्ट्र की राजनीति पे। अब आते हैं आपका मूल सवाल की ओर। शरद पवार मराठा राजनीति के सबसे बड़े छत्र, अजीत पवार जब उनसे टूट कर आए तो लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे कि अब शरद पवार खत्म हो जाएंगे, विधायक इधर चले आए, ये वो। लेकिन लोकसभा के चुनाव परिणाम ने बता दिया कि जमीन पर, कार्यकर्ताओं पर और वोटरों पर शरद पवार की ही पकड़ है। अजीत पवार के साथ सिर्फ विधायक गए हैं। कुछ कुछ वैसा ही हाल है जैसे पशुपति पारस के साथ सिर्फ विधायक गए थे, लेकिन जो वोटर थे वो चिराग पासवान के साथ थे। अब लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अजीत पवार गुट में घबराहट। मैं एक एक कर उदाहरण बताता हूं। एक कागल विधानसभा क्षेत्र है महाराष्ट्र में और वहां से विधायक हैं समरजीत घाटगे, वो बीजेपी के विधायक थे और देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी थे। अभी 2 दिनों पहले उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की और वो कह रहे कि मैं शरद पवार एनसीपी गुट, मतलब जो शरद पवार वाला गुट है एनसीपी का, उसमें मैं शामिल हो रहा हूं। इससे पहले अजीत पवार गुट के 2 और विधायक शरद पवार से मिले हैं और वो शरद पवार की ओर आना चाहते हैं। और इन घटनाओं के बाद जो बाकी बचे विधायक, कुल 8 विधायक लेकर अजीत पवार आए थे इधर, उनमें से 2 गए, बचे 6, इनमें घबराहट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था उसे निभा नहीं रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं रही है। इन सब को लेकर एक असमंजस की स्थिति है अजीत पवार गुट में। जयंत पाटिल हैं शरद पवार गुट के एक नेता है, वो तो ये भी दावा करते हैं कि अजीत पवार स्वयं जल्दी ही अपने चाचा शरद पवार के पास दोबारा वापस आने वाले हैं क्योंकि महायुति में उनका मन नहीं लग रहा है। दूसरी ओर जो महायुति के दूसरे घटक है जैसे भाजपा है, एकनाथ शिंदे वाले हैं, वो कह रहे हैं कि अजीत पवार के आने से हमें तो कुछ फायदा हुआ नहीं, उल्टा शरद पवार जो मर रहे थे उन्हें राजनीतिक रूप से दोबारा हमने जिंदा कर दिया, लोगों की सहानुभूति उनके साथ चली गई। तो महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव के पहले बड़े परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा।